स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली और भोपाल में 50 कोविड-19 मरीजों पर पेप्सिविक दवा का परीक्षण किया जाएगा। यह दवा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और अहमदाबाद स्थित कैडिला फार्मास्यूटिकल्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। सेप्सिवक दवा को सेप्सिस के इलाज के लिए विकसित किया गया था कोविड-19 के उपचार के लिए। इस दवा का परिणाम अगले 2 महीनों में प्राप्त होने की उम्मीद की जा सकती है। मुख्य विशेषताएं: राम विश्वकर्मा निदेशक भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू ने बताया कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि संस्थान के पास पहले से तैयार उत्पाद उपलब्ध हैं और इसे आसानी से परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले से ही चरण 3 बड़े परीक्षणों को मंजूरी मिल चुकी है और अगर इस परीक्षण की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो इससे बढ़ाया जा सकता है। सेप्सिस के रोगियों पर अचानक किए गए परीक्षण से मृत्यु दर में 11% की पूर्ण कमी और सापेक्ष कमी 55% तक देखी गई है। सेप्सिवक ICU और वेंटिलेटर के दिनों को कम करती है और द्वितीयक संक्रमण की घटनाओं को कम करती है। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका भी तपेदिक के टीके का परीक्षण शुरू करेंगे। यह स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों में माइकोबैक्टीरियम के एक अलग तनाव को नियोजित करता है जो कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज में सबसे आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। कोविड-19 के लिए सेप्सिक दवा का परीक्षण क्यों आवश्यक है? इस दवा को मूल रूप से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नामक रोगजनकों के एक वर्ग द्वारा उत्पन्न सेप्सिस के इलाज के लिए विकसित किया गया था। ये बैक्टीरिया जीवन के लिए घातक संक्रमण का कारण बनते हैं। अब क्योंकि कोविड-19 के मरीजों की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया में इसके साथ समानताएं पाई जा सकती हैं, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह उपचार इन मरीजों में समान प्रतिक्रिया को उत्तेजित कर सकता है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।